एक चीज था, ठीक है, जो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा हम उसको वहां पे मिस कर गए थे। क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेट नहीं होता है, और हम वहां पे तुम लोग को बताए थे कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। अगर क्रोमोसोम नंबर का बात करता तो डीएनए का जो अंतर वो डबल होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ क्रोमोसोम ऐसा नहीं कि एक है तो दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो भी होगा डीएनए का होगा, थोड़ा सा वो मिसप्लेस हो गया था, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना। अब हम लोग का एम फेज स्टार्ट होने वाला है, माइटोटिक फेज है, ठीक है? अब एम फेज में क्या क्या होता है वो देखना, क्योंकि एम फेज जो होता है वो हम लोग का चार उसका फेज है, और उस चार फेज में क्या क्या प्रोसेसिंग होना है वो हम लोग को देखना। देखो इंटरफेज में हम लोग क्या देखे थे कि इंटरफेज में हम लोग पढ़े थे कि G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। तो G1 फेज में क्या होता है वो पता है तुम लोग को। S फेज में भाई क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, मतलब भाई डीएनए जो है हैप्लॉइड होगा तो वो N से 2N में चला जाएगा, और इसमें फिर अगर 2N होगा तो 4N में चला जाएगा। दूसरा चीज था कि हम लोग का जो G2 फेज था, ग्रोथ सेकेंड फेज, मतलब ग्रोथ सेकेंड फेज हो रहा है, वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का जो है वो डेवलपमेंट, सॉरी, वो वहां पे फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन वगैरह बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह बनेगा। अब हम लोग जो इंटर करने वाले, इंटर फेज खत्म हो गया, अब वो जो सेल है वो सेल तैयार है डिवीजन के लिए, ठीक है ना? अब देखो जब ये डिवीजन होगा तो डायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि इंटर फेज में क्या हुआ, एक तरह का अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, अब हमको सेल डिवीजन होना है। मतलब इंटर फेज में क्लियरली वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि सेल के अंदर में जो भी है, जितना भी चीज चाहिए वो सारा कुछ फॉर्म कर गया, क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ फॉर्म कर गया। अच्छा, G2 फेज के बाद, ठीक है, G2 फेज के बाद हम लोग अब इंटर कर रहे हैं M फेज में, और M फेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिवली फेज है, क्योंकि उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, उसी में तुम्हारा पोल के पास जाएगा, उसके बाद पहले क्रोमोसोम क्लियर दिखाई देगा। तो जो एम फेज होता है, जो माइटोटिक फेज है, वो चार प्रोसेस से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एम फेज में चार स्टेजेस होता है। उस स्टेज के बाद जो है वो अल्टीमेटली न्यूक्लियर का डिवीजन होने के बाद फिर अल्टीमेटली सेल का डिवीजन होगा। देखो अगर और इसको समझते हैं, जैसे हम बता रहे हैं तुमको एम फेज, हम बता रहे तुमको एम फेज, और इस एम फेज में दो चीज ध्यान रखना है कि एम फेज जो कंप्लीट होता है दो स्टेज में, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है? तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा चार फेज, चार स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, उसके बाद बोलते हैं मेटाफेज, उसके बाद बोलते हैं एनाफेज, उसके बाद हम लोग बोलते हैं टेलोफेज। जब ये हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये चारों होने के बाद न्यूक्लियर का डिवीजन तो हो गया, क्रोमोसोम अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन का भी डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होगा। जब साइटोकाइनेसिस पूरा होगा तभी एक सेल कंप्लीटली दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, क्या करता है, दो सेल में कंप्लीटली क्या करता है, वो डिवीजन करता है। अब जैसे इसमें भी है, जैसे प्रोफेज भी पढ़ते हैं, तो प्रोफेज में भी दो स्टेज होगा, एक अर्ली स्टेज हो जाएगा, एक लेट स्टेज होगा, करने का मतलब अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज। मेटाफेज में भी वही चीज है, एनाफेज में वही है, टेलो में भी वही चीज होता है। मतलब इसको भी अर्ली एंड लेट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ताकि पता चलेगा कि अर्ली फेज में क्या दिख रहा है एंड लेट फेज में क्या हो रहा है। जैसे बोलता है कि प्रोफेज, प्रोफेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है कि वहां क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट होता है और क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि इंटरफेज में सारा काम हो गया है। तो इंटरफेज से जैसे ही आता है एम फेज में, तो एम फेज में जैसे ही प्रोफेज में चल जाता है, क्योंकि पहले कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा फिर हमारा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन हुआ, ये हो गया, और साइटोकाइनेसिस में जो सेल साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। पहले समझ लो, फिर हम लोग आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम बता रहे हैं कि ये चारों फेज का, जब ये प्रो फेज हम देख रहे थे, इसमें भी अर्ली एंड लेट है, इसमें भी मेटा में अर्ली लेट है, एना में भी अर्ली और लेट होगा, टेलो में भी अर्ली एंड लेट होगा। मतलब ये जो अर्ली फेज एंड लेट फेज है, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, क्योंकि जब हम मेटा फेज पढ़ेंगे तो मेटा फेज में नॉर्मली इसका इस फेज का नाम ही होता है कि क्रोमोसोम मिड पोजिशन में आता है, लेकिन मिड पोजिशन के साथ साथ में इसी लेट लेट मेटाफेज में जो है
एस्ट्रल पोल और बेसल बॉडी सेंट्रल का काम है वो सीधा पोल पे चला जाएगा, वो धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं कि अर्ली एंड प्रो फेज में क्या क्या ऐसा होता है, सॉरी अर्ली फेज लेट फेज में क्या होता है कैसा होता है, क्योंकि उसका फिगर देखो दो तीन चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है ठीक दिया है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसमें अर्ली और लेट फेज का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बोल के दिया नहीं है, बस सीधा लिखा है प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है और टेलीफेज में, और तुम्हारा मेडिकल में भी वहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन को जब उसको करना होगा ट्विस्ट करना होगा तो अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट डाल देता है, क्योंकि कुछ चीज होता है जो अर्ली प्रोफेज में होता है, कुछ चीज होता है लेट प्रोफेज में होता है, और इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, अर्ली लेट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे, ऑप्शन भी नहीं रहेगा, लेकिन वो डायरेक्टली पूछेगा कि ये स्टेज किसमें होता है, तो तुमको लेट या अर्ली का भी वहां पे कॉन्सेप्ट देख के प्रोफेज या मेटाफेज जिसमें है उस तरह से, इसलिए अर्ली और लेट भी इंपॉर्टेंट है जाना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एम फेज में दो फेज ठीक है, कैरियो एंड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में चार फेज होता है और हर एक फेज का अपना अर्ली एंड लेट फेज है, और उसका जब ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल वगैरह का जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन अगर डिवाइड नहीं किया तो कम्प्लीटली वो सेल नहीं कहलाएगा, तो ये प्रोसेस होता है। सो स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से, ठीक है, देखो हम फिगर के साथ तुम लोग को बताते जाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है, फिगर से जितना अच्छा समझ पाओगे उतना अच्छा कहीं नहीं समझ पाओगे। और एक चीज जरूर बताएंगे, एक चीज तुमको याद करने का बस एक तरीका है कि जो भी फिगर है यहाँ पे उस फिगर को एक फ्लो चार्ट में बनाओ, आई मीन चार्ट में बना लो, चार्ट पेपर में बड़ा सा पेपर में बना के उसको याद करने का तरीका, उसका फिगर का जो स्ट्रक्चर सॉरी जो फेज का स्ट्रक्चर है कि इस फेज में क्रोमोसोम कहाँ गया, इस फेज में क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहा है, इस फेज में क्या, इस तरह से अगर तुम बना के कहीं रख लेते हो या फिर सामने में रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, क्योंकि साइकिल चीज है, भूलने का भी उतना ही ज्यादा चांसेस होता है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एम फेज के टू फेज से स्टार्ट करते हैं। देखो एक सेकंड, एक जी नॉट फेज का भी था ना, जी नॉट फेज उसके बारे में भी तो नहीं लिखा है थे। अच्छा जी नॉट फेज में पता है ना क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फेज है, वहां पे डिवीजन नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा है डिवीजन नहीं होता सर, वही बोला। हाँ वही इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल है वो, ठीक है, वो पहले भी हम बताया था कि अगर जीवन फेज में, पहले एक चीज तुम लोग को पता है ना कि अगर जीवन फेज क्रॉस कर गया तो पूरा कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अगर जीवन फेज क्रॉस नहीं कर पाया इंटरफेज का सेल डिवीजन के टाइम पे, अगर जीवन फेज क्रॉस नहीं किया तो वो कहाँ चल जाता है, जी जीरो फेज में इनएक्टिव हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, वैसे उसमें कुछ है नहीं, तो इसको इसको नोट करते, मतलब जी नॉट फेज इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज, इट इज द स्टेज ऑफ इनएक्टिव सॉरी इनएक्टिवेशन
ऑफ सेल साइकिल ड्यू टू नॉन सर हाँ सर आप जी नॉट फेज के बगल में क्या लिखे है ये क्यू से क्यूसेंट स्टेज है वो ऐसे बस टर्म दिया गया और कुछ नहीं है सर हाँ तो ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ के बाद क्या लिखें माइटोजन MITOGEN हाँ माइटोजन माइटोजन कोई एंजाइम नहीं जी चेंजिंग करने का कैपेसिटी होता है ना वो नहीं मिल पाता है एनर्जी रिच कंपाउंड देखो सेल साइकिल एनर्जी स्पेंडिंग ना प्रोसेस है हर एक चीज में तो एनर्जी चाहिए होता है ठीक है तो उस केस में माइटोजन का मतलब होता है चेंजिंग ये चीज है एंड एनर्जी रिच कंपाउंड करने का मतलब बस यही है कि उसको अगर तक एनर्जी नहीं मिले तब तक ये बस नहीं हो गया माइटोजन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो समझ में आया नहीं समझ में बताओ क्योंकि माइटोजन नया वर्ड है देखो माइटोजन मतलब सिंपल एक चीज छोटा सा चीज दिमाग में रखना कि कोई भी चीज है अगर कुछ भी प्रोसेस होना है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल चीज होता है चाहे वो हार्मोन हो या फिर कुछ फैक्टर्स हो तो वो जो फैक्टर्स होता है ना उसी चीज को बोलते हैं माइटोजन जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग साइटोकाइनिन करके पढ़े हैं प्लांट में पढ़े होंगे तो साइटोकाइनिन क्या है एक सेल डिवीजन का एक हार्मोन है तो अगर वो हार्मोन नहीं होगा तो क्या सेल डिवीजन होगा प्लांट में ये चीज तुम लोग को पता है इवन 10th अभी तुरंत पास की हो तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन सब पढ़े हो और हम खुद पढ़ाए हैं तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से हम बोल रहे हैं क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में है याद करो वहां पे जब हम बताया था क्या बताया था कि साइटोकाइनिन इज अ सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑक्सीजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है
ऑक्सीजन के लिए, सॉरी मतलब ऑक्सीजन का क्या काम है सेल के सेल रेप्लिकेशन, सेल एलॉन्गेशन। सर एक चीज बता दो कि अगर हम एक मीडियम तैयार करते हैं कि प्लांट को ग्रोथ कराना है, ठीक है, डिवीजन करना, क्योंकि ग्रोथ मतलब पहले सेल डिवीजन होगा तब ना धीरे धीरे वो सेपन साइज वगैरह बढ़ाएगा, सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो क्या वो ग्रोथ कहलाएगा? नहीं। तो मान लो एक मीडियम है उसमें साइटोकाइन को हटा दिए तो क्या वो डिवीजन कर पाएगा? प्लांट के केस की बात कर रहे हैं। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा एसेंशियल क्राइटेरिया हो गया जिसके कारण प्लांट सेल डिवाइड कर पाएगा। वही चीज होता है एनिमल में भी, इस तरह से कुछ कुछ फैक्टर्स है जो कि एसेंशियल रीजन इज माइटोजन। समझ में आ गया माइटोजन वर्ड? समझ में आ गया? ठीक है, आवाज नहीं आ रहा दीक्षा, बोलो सर। मतलब माइटोजन भी सेल डिवीजन करता है? हम क्या बताएं कि माइटोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, अगर वो नहीं होगा, ठीक है, तो सेल डिवीजन प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो माइटोजन उसको बोला रहा है, बोला जा रहा है जो सेल डिवीजन के लिए ट्रिगर का काम करता है। माइटोजन कोई सब्सटेंस नहीं है, माइटोजन एक टर्म दिया है, ठीक है, कॉमन एक टर्म लिख दिया है। जैसे प्लांट का माइटोजन साइटोकाइनिन, ठीक है, एनिमल में कुछ फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, तो वो सब जो है वो तो माइटोजन वो हो गया। समझ में आ गया? और एनर्जी रिच कंपाउंड में ही फास्फोरस एटीपी वगैरह जो होता है वो सब नहीं मिल पाता है। हाँ हेलो, हेलो, हाँ बोलो सर। जी नॉट फेज सर एक बार बताइए ना सर। देखो जी नॉट फेज में कब पहुंचता है, ठीक है, तो हम पहले बताए जीवन फेज। देखो इंटरफेज का तीन फेज, जीवन, एस फेज एंड जी टू फेज, ध्यान देना। तो अगर जीवन फेज की बात करते हैं, जीवन फेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जीवन फेज में ध्यान देना होगा कि अगर जीवन फेज क्रॉस किया, क्योंकि वो चेक पॉइंट हो जाता है, एक तरह का चेक पॉइंट फॉर सेल डिवीजन, फर्स्ट चेक पॉइंट। तो अगर जीवन फेज क्रॉस कर गया सेल, तो वो कंप्लीट माइटोसिस प्रोसेस या सेल साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। मान लो जीवन फेज ही नहीं कर पाया तो वो बैक चला जाएगा जी नॉट फेज में। जी नॉट फेज में जाने का मतलब यही हो गया कि जीवन फेज में उसको वैसा कंपोनेंट नहीं मिला जो कि सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट था, वो वहां पे नहीं है। आई मीन उसको नहीं मिल पाएगा वैसा मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो बना नहीं पाया हो सकता है, एनर्जी रिच कंपाउंड का कमी हो गया। मतलब एनर्जी रिच को ही बात करते हैं, जीवन फेज में एनर्जी रिच कंपाउंड का कमी हो गया। अब जीवन फेज को क्रॉस नहीं करेगा तो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो क्या करता है, जैसे जीवन फेज में उसको नहीं मिला तो वो बैक चला गया जी नॉट फेज में। जी नॉट फेज में जाने का मतलब है कि वो सेल डिवीजन नहीं करेगा, सेल एक से दो नहीं होगा, लेकिन वहां सेल डिफरेंशिएशन होगा। कहने का मतलब वो एक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि वो एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा, लेकिन वो अपना साइज बढ़ा सकता है, परफॉर्मेंस जो है उसका वो कर सकता है, लेकिन सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी सेल डिवीजन वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। तो जीवन फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि वहां पे माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं रहता है, वही हम लिखे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजन एनर्जी रिच कंपाउंड। बस वहां पे वो डिवीजन नहीं करेगा, बट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब साइज बढ़ा देगा, उसका परफॉर्मेंस वो ठीक है, मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव है, बट डिवीजन नहीं करेगा। वो लास्ट में लिखा है, ये देखो, दे यूजुअली ग्रो इन साइज एंड अज्यूम पर्टिकुलर शेप। सर वीडियो नहीं आ रही, और किसी को आ रहा है क्या वीडियो? नहीं नहीं आ रहा। हाँ वेट कीजिए, वेट कीजिए, आप लोग वेट कीजिए। हाँ सर क्वेश्चन। ओके सर। हेलो। यस सर बोलिए। हाँ दीक्षा वेट कीजिए, है ना, सर से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, मोबाइल पे कॉल आ जाता है किसी का ना, तो वीडियो रुक जाता है, पॉज हो जाता है।
आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? बताओ क्या होता है रेस्टिंग फेज, क्या बोलते हैं बताओ? कॉल आ गया था क्या किसी का? नहीं नहीं नहीं, अचानक से कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ सर, क्या बोल रहे थे सर? बोले इंटर फेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है, जैसे हम लोग यहाँ बोले ना कि जी नॉट फेज को क्वेश्चन स्टेज, ठीक है, बट वहां पे जो हम बोल रहे हैं कि मतलब इंटर फेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे कोई सेलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, इसको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि इंटर फेज को रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं। देखो, रेस्टिंग फेज इसलिए क्योंकि हम लोग जिस प्रोसेस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन वो डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है, इसको ध्यान रखना, वही होता है इंटरफेज को रेस्टिंग फेज नाम बोला गया, ठीक है, इसको क्वेश्चन स्टेज। ये हो गया, नोट कर लो इसको, इसमें कुछ और दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नाइट्रोजन हम बता ही दिए, एनर्जी रिच कंपाउंड समझ ही रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग मेटाबॉलिक मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, और सेल डिफ्रेंसिएशन का मतलब सिंपल है, साइज बढ़ाएगा वो अपना फंक्शन को भी मेंटेन कर लेगा, वही चीज है, ठीक है। इसको करो, हाँ बोलो सर। आप जो बोले थे कि जीवन फेज से मतलब उसमें कुछ नहीं कर पाते तो जी नॉट फेज में जाता है सर, हाँ, तो सर हाँ। सर ऐसा जी टू फेज के साथ भी होता है? नहीं, जी टू फेज में कुछ नहीं होता, जी टू फेज में भी चेक पॉइंट है, जी टू फेज में भी चेक पॉइंट है, बट जीवन फेज ही एक होता है जो थोड़ा सा बोल सकते हो लंबा फेज है, तो उसी में सब कुछ होना है, जो होना होगा चेक वगैरह सब करना है वहीं पे कर लेगा। जीवन फेज में अगर चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया ना, वही है एक एंजाइम बताए थे ना, कौन सा एंजाइम है? सीडीके, सीडीके नहीं, सॉरी सीकेडी, सीकेडी है, सॉरी सीकेडी है ना, सीकेडी, वो एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए ना, साइक्लिन। क्या आरती उतारने के लिए? नहीं रे बकलोल, देखो वहां पे क्या क्या है, जी टू फेज में सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह डिफरेंशिएट नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा होता तो? हाँ। चार्ट लगता है पढ़ी नहीं फ्लो चार्ट ठीक से, है ना? पिछले क्लास नहीं किए थे सर। मत करो तुम ये सब, क्लास छोड़ो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक, उसके बाद बाद मिलना सर हमको, फिर से हमको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, फिर डांट खाएगी हमसे। चलो इसको नोट करो, नोट कर लिए होगे इसको, कर लिए? हाँ हाँ, एम फेज का एक और डिफरेंशिएट डिफरेंस है, डिफरेंस एक चीज है और बताना है, दो टर्म है उसको समझ लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। हम लोग का अब क्योंकि सेल साइकिल में जो एक फेज इंटरफेज है वो स्टार्ट हो रहा है, अब एम फेज को हम लोग सेल डिवीजन फेज बोलते हैं, ये सबको जान रहे हो, बट एम फेज के केस में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, एम फेज के केस में माइटोटिक मतलब सेल डिवीजन, हम इसको सेल डिवीजन फेज बोल रहे हैं, ध्यान देना, सेल डिवीजन फेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन होता है दो तरीके से होता है, एक होता है ए माइटोसिस और एक होता है माइटोसिस, दोनों में कोई डिफरेंस हमको बता दो, ए माइटोसिस एंड माइटोसिस, और ये भी हम डिस्कस किए हैं। माइटोसिस में से जितना पेरेंट बॉडी में क्रोमोसोम होता है उतना ही उसमें होता है, प्रोगैनी में होता है, और ए माइटोसिस में? ए माइटोसिस में सर मतलब नहीं होता है। डिफरेंस बताओ, डिफरेंस 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 होता, हमको हमको पता था तुम सोच रहे हो कि सर मियोसिस और माइटोसिस लिखेंगे, हम लिखे ए माइटोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस बताओ। बताओ पुष्कर, विवेक, चलो रिप्लाई करो बच्चा लोग, ऐसा मत करो, तुम लोग को आई थिंक हमको जहां तक पता है ए माइटोसिस हम बात किए हैं क्लास में। नहीं पता किसी को, कैसे चलेगा?
अच्छा एक बात बताओ, माइटोसिस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए बता तो? क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए, ठीक है वो चीज सही है। और क्या होना चाहिए? माइटोसिस किसके हेल्प से होता है ये तो हम बताएं, बिना उसके माइटोसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। दिमाग थोड़ा सा लगाओ, सेल में हम लोग पढ़ के अभी आए हैं, जो कि स्पेशली एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में वो चीज नहीं होता है जिसके कारण वो कर पाता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम बताओ, डिवीजन, सेल डिवीजन में काम आता है, मार खाएगा ना, स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन में होता है। कहां ध्यान है पुष्कर बताओ, श्रेया विवेक तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो, बताओ तुम लोग भी तो क्लास किए हुए सेल का। देखो माइटोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी के लिए एनिमल बॉडी में एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इसको तुम ध्यान रखोगे। और सेंट्रियोल अगर होगा तो स्पिंडल फाइबर बनेगा, तभी माइटोसिस का मतलब पता चल रहा, सॉरी माइटोसिस का मतलब पता चलता है कि हाँ उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, तो माइटोसिस पर्पस कंप्लीट हो पाता है। बट यहाँ पे हम तुमको लिखें ए माइटोसिस का मतलब होता है एब्सेंट। अब माइटोसिस में क्या एब्सेंट हो सकता है भाई? तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसी किसी सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन वहां पे विदाउट स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के होता है, और वैसे को बोलते हैं ए माइटोसिस। एग्जांपल तुम लोग बताओ, हम नहीं बताने वाले हैं, कौन ऐसा सेल है जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है ठीक है, बट वहां स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलो आंसर करो तुम लोग, और ये बहुत ईजी है। तुम लोग को हिंट भी चाहिए तो बोलो, हिंट दे देते हैं, चाहिए हिंट? यस सर। चलो विवेक बता, दे दें। चलो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, हम बता दिए, जाओ बहुत ज्यादा हिंट दे दिए। सर रिप्रोडक्टिव सेल में और क्या? कौन सा रिप्रोडक्टिव सेल में? मियोसिस, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है माइटोसिस होता है। मार खाएगी ना तुम? बोलो, बहुत बड़ा हिंट हो गया सर, ऐसा तो नहीं होता। तुम लोग को बोले ना, अब तुम लोग को मार लगेगा, तुम लोग सामने नहीं है तो जरूर मार खाते। यामिनी बोल, यामिनी, श्रेया, विवेक, अरे तुम लोग अभी अभी क्या पढ़ा बताओ, मेरा तो सारा पढ़ाया हुआ बेकार है। दीक्षा तो मेरा नाम डुबाई दिया, उसका भी मेरा नाम डुबाई दिया। आई थिंक यामिनी भी रिप्रोडक्शन में थे। हैं, किसका रिप्रोडक्शन है सर? सोचो, वही तो सोचो, रिप्रोडक्शन इतना बड़ा हिंट दे दिया। अब तुम बताओ कि रिप्रोडक्शन में कहां पे सेल डिवीजन होता था, वहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता था, सोचो। ये बहुत तो ईजी है, अब मेथड बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा। हाँ सर वो तो होता है, फंगी, फंगी तो स्पोर फॉर्म करता है, वो अलग चीज है। अरे बाइनरी फ्यूजन अमीबा में, सॉरी अमीबा, सॉरी, तुम्हें पैरामीशियम में, ये सब में स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है? नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहां पे हम लोग लिखते हैं कि वो माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस को क्या करता है कि माइटोसिस जो, सॉरी, माइटोसिस प्रोसेस को वहां पे कंप्लीट करता है। हम लोग लिख तो देते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल माइटोसिस है? नहीं, माइटोसिस का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर डिवीजन एग्जैक्टली अमाउंट में डिवीजन होता है, इसको माइटोसिस बोलते हैं, लेकिन इसके लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, बैक्टीरिया में भी डिवीजन होता है, इवन बैक्टीरिया का जो मेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो बाइनरी फ्यूजन है,
उसका मेन वही है, सक्सेस तो वो हार्श हैबिटेट पे हार्श कंडीशन पे कर लेगा वो, क्योंकि वहां पे उसको पीली वगैरह बनाना पड़ेगा, मोनेरा पढ़ाया भी है तुम लोग को, तो वहां पे ध्यान देना, वहां पे कभी स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और वहां पे हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले इसका स्टेजेस है। अब समझ में आया ए माइटोसिस और माइटोसिस में डिफरेंसेस, ठीक है। इस केस yes, में sir. इस केस में स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं पे लिखता है कि नहीं बाइनरी फ्यूजन माइटोसिस प्रोसेस को प्रोसीड करता है, इसका मतलब वो दो स्टेज के हिसाब से बोल रहा है, वहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, ये कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। सो वहां पे माइटोसिस है तो वो भी सही है, बट वो न्यूक्लियर डिवीजन को लेके गया। लेकिन अगर पूछ दे अगर स्पिंडल फाइबर के बेसिस पे देखोगे तो ही इसको हम लोग एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यही चीज होता है, ठीक है। ये भी माइटोसिस, बट डिफरेंस क्या है, इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, मेन रीजन यही है, बाकी बात है बहुत कुछ, बट है ये क्रोमोसोम के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है। ये समझ में आया इसको, ठीक है। सो हम ए माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं, एंड माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशंस करके लिखेंगे, अगर फिर हम लोग माइटोसिस के फेज में एंटर करेंगे। अब आज हम लोग माइटोसिस खत्म करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ए माइटोसिस फेज जब स्टार्ट होगा तो हम लोग पूरा इसको समझ के ही फिर हम लोग लिखेंगे। तो पहले माइटोसिस लिख लेते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन It is the process of formation of new or daughter cell, daughter cell from the pre-existing it occurs three way for और तीसरा हो जाता है मियोसिस। मियोसिस का डिफिनेशन हमको लगता है बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मियोसिस का मतलब जर्म सेल में होगा, वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और माइटोसिस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसके इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम ए माइटोसिस को थोड़ा दो तीन लाइन का डिफिनेशन लिख ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ए माइटोसिस इन दिस There is no differentiation of chromosome and करता वो तो ध्यान से बैक्टीरिया बस काफी पूछ ले बाइनरी लिख देना, ये गलत नहीं है क्योंकि वहां हो गए सितंबर से एकदम क्लियरली समझ में आ रहा था बैक्टीरिया पैरामिस वगैरह जो भी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है माइटोसिस
in which become and disqualified quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei into two daughter nuclei therefore it is also called equational division चलो ये मार्ट होता है तो बताने का जरूरत नहीं है एग्जाम्पल लिख लेते हैं सोमैटिक सेल लिख लो और इसीलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोला जाता है एग्जाम्पल सोमैटिक सेल मतलब सोमैटिक का मतलब बॉडी सेल ठीक है तो ये माइटोसिस हो गया हम इसका फेज अब लिखेंगे हम लिखे होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे समझाना ठीक है नोट करो क्या लिखे है बोलो 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 सर सर रेप्लिकेट एंड क्या लिखे है सर बोले तो रेप्लिकेट एंड बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड replicate and become equally distributed both quantitatively and qualitatively into two daughter nuclei therefore it is also called equational division directly likho na it is also called therefore likhne ki zarurat nahi hai notes jitna chota bana utna zyada acha but samajh mein aana chahiye हो जाएगा तो बताना और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो हो गया सबका हो गया Yes, sir. चलो ठीक है
चलो इसको नोट करो। केजेस के बाद क्या लिखे हैं? कॉम्प्लिकेटेड के बाद कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है? फिर कैरियोकाइनेसिस में कॉम्प्लिकेटेड तो कहीं नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड हाँ। अच्छा हम पढ़ देते हैं एक बार। इट इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन बिकॉज द न्यूक्लियस पासेस थ्रू कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिफोर फॉर्मिंग अ टू डॉटर न्यूक्लियाई। इट हैज बीन डिवाइडेड टू फोर फेजेस। ठीक है, प्रो मेटा एना एंड टेलो। यही है। सर आप कैरियोकाइनेसिस में जो लिखे हैं इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, तो सर हम जानना चाहते हैं कि क्यों बोलते हैं, सर समझा दीजिए ना। इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होता है ना, प्रोसेसिंग जो होता है उसमें ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। इनडायरेक्ट करने का मतलब यहाँ है कि वो डिवीजन डायरेक्ट नहीं, एक प्रोसेस से चलता है। पहले क्रोमोसोम दिखेगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेज में यही चीज देखने वाले हैं। मेटाफेज में क्या होता है, मिडिल पोर्शन पे आता है। एनाफेज में पोल पे चला जाता है। टेलोफेज में वो डिवाइड होता है। तो ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्टली डायरेक्टली वो नहीं, एक फेज के साथ ही जा रहा है ना, इसलिए इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट डिवीजन हो गया, ये दोनों अलग हुआ, तो फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्रोमोसोम देखो, प्रोफेज में जब हम लोग फेजेस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि प्रोफेज से टेलोफेज तक में इतना कि ये हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ इसमें फॉर्म होता है, तभी वो अल्टीमेटली डिवाइड कर पाता है, इसलिए इनडायरेक्ट है। ठीक है, फेज में जा रहा है इसलिए इनडायरेक्ट है, और डायरेक्टली डिविजन हो जाता तो कोई जरूरत नहीं है फेज का ना। इसीलिए कोई भी चीज फेज में जाएगा तो इनडायरेक्ट ही है कुछ। ठीक है, तो ये है। चलो सर मिटा दीजिए, सर लिख लिए, हो गया ना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। ठीक है, देखो तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है, इधर से समझते हैं।
इंटरफेस का बता रहे हैं, ठीक है। देखो इंटरफेज में होता क्या है समझना, क्योंकि इसके बाद ये प्रोफेज में चला गया। इंटरफेज में एक सेल अगर है तो क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन है तो हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये पूरा क्वाइल्ड में होता है, इसको ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं सुलझा हुआ या कंडेंस हुआ, कंडेंस अभी हो ही नहीं रहा है। इंटरफेज में क्रोमेटिन वगैरह जो होता है वो कंडेंस बन के क्रोमोसोम वहां नहीं बनता है, ठीक है, ये चीज है। तो कंडेंस नहीं, क्रोमेटिन थ्रेड ही होता है और सेंट्रोसोम, लेकिन सेंट्रोसोम का एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एम फेज में इंटर करेगा ये जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर में सेंट्रियोल, देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, मान लो ये सेंट्रोसोम है, तो ध्यान रखना सेंट्रोसोम में क्या होता है, इस तरह का होता है, मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ना धीरे धीरे इंटरफेज में G2 फेज तक ये धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ही M फेज में जाता है तो M फेज में स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया, एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया, अभी ये सेंट्रियोल ही है, लेकिन जैसे ही इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे रेस के फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रे। क्या होता है? एस्ट्रल रे। और यही रे अल्टीमेटली क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है और क्रोमोसोम से अटैच होता है। तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि सेंट्रियोल है तो एस्ट्रल रे कहां से आएगा, सेंट्रियोल है वो जो इंटरफेज में वो धीरे धीरे अलग हो चुका है, लेकिन जैसे एम फेज में होता है तो क्योंकि प्रो, जैसे एम फेज स्टार्ट हुआ, प्रोफेज स्टार्ट हुआ, प्रोफेज में ही जाता है वो पोल तक चला जाता है और वहां पे रे बनाता है जिसको हम लोग एस्ट्रल रे बोलते हैं। ये वाला चीज ध्यान रखना, प्रोफेज में ही होता है ये, प्रोफेज में एस्ट्रल रे बन गया। अब एस्ट्रल रे धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर बनाएगा और स्पिंडल फाइबर बना, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि देखो जैसे हम बताते हैं ये प्रोफेज है तो अर्ली प्रोफेज में ये काम हो जाएगा, एस्ट्रल रे वगैरह जो है अर्ली भी बोल सकते हो या मिडिल भी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे चार फेज है, तो जैसे प्रोफेज को तीन फेज में बांटा है, अर्ली फेज, मिडिल फेज एंड लेट फेज। तो अर्ली एंड लेट के हिसाब से अगर बात करें तो अर्ली फेज में क्या होगा कि एस्ट्रल रे वगैरह जो होता है पोल पे चला जाता है, प्रोफेज में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें क्या बताएंगे, क्रोमोसोम वगैरह जो कंडेंस होना स्टार्ट है। तो जब इंटरफेज की बात करते हैं तो उसमें ध्यान देना सेंट्रोसोम जो होता है वो धीरे धीरे इलांगेट, मतलब वो अपने वहां से मूव करना स्टार्ट होता है, और ये मूव करने के बाद जैसे ही एम फेज में इंटर करता है तो एम फेज का पहला फेज जो प्रोफेज है उसमें ये पोल पे जाके और वो सेंट्रियोल रे वहां पे बन जाता है, जिसको हम लोग उसी फॉर्म को एस्ट्रल रे बोल देते हैं। और वही एस्ट्रल रे जब लेट प्रोफेज में जाता है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके क्रोमोसोम से तो वो अटैच हो जाता है, इसलिए अर्ली मिडिल एंड लेट के हिसाब से बात करते हैं। ये काम हो गया इंटरफेज में, एम फेज में, एम फेज में पोल पे जाता है, पहले नहीं जाता है, बता दे रहे हैं, एम फेज में पोल पे जाएगा, सॉरी एम फेज में प्रोफेज में पोल पे जाएगा और वहां पे रे बनाकर एस्ट्रल रे वहीं पे बना लेगा। तो ये इंटरफेज में, यहाँ पे तुमको क्लियरली दिख रहा है कि क्रोमोसोम वगैरह जो है जो भी है वो क्रोमोसोम कंडेंस नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड है और वो अनवाइंडिंग है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए, तो डीएनए जो अनवाइंडिंग वहां पे होता है। तो जैसे प्रोफेज में जाते हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रोफेज वन में। देखो ये जो कंडीशन है, प्रोफेज वन नहीं सॉरी, ये हो गया अर्ली प्रोफेज, ई को अर्ली फेज बोल दिए। अर्ली फेज में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस है और ये एस्ट्रल रे बना दिया, ये दोनों पोल पे जाके एस्ट्रल रे बना दिया, और यहीं पे
क्रोमेटीन थ्रेड, क्रोमेटीन जो थ्रेड होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा, कंडेंस होके क्या बना देगा, क्रोमोजोम बना देगा, क्या बना देगा, क्रोमोजोम। ठीक है, अब अर्ली फेज में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्रोमोजोम बन गया, चलो ये हमारा अर्ली फेज, के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है लेट फेज, ये क्रोमोजोम है। ठीक है, ये अभी अरेंज है, बट अरेंज में ये रहता नहीं, इधर उधर डिस्क्रीट मैनर में रहता है। ठीक है, तो मिडिल फेज में ये धीरे 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 क्या करता है, जो एस्ट्रल रे है यहाँ पे, जो एस्ट्रल रे है मिडिल में, ये एस्ट्रल रे इसके साथ, ये इसके साथ एस्ट्रल रे जो स्पिंडल फाइबर बना दिया, जब स्पिंडल फाइबर बनता है तो अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर बनने के बाद जब लेट प्रोफेज में जाते हैं तो क्रोमोजोम क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे वो अपने पोजीशन पे आना स्टार्ट करता है। ये मान लो चार है क्रोमोजोम, ठीक है, ये है, तो ये जो है ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, मतलब स्पिंडल फाइबर लेट प्रोफेज आते आते वो धीरे धीरे मिडिल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, लेट प्रोफेज में धीरे धीरे मिडिल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही प्रोफेज से सेकेंड जो नेक्स्ट फेज है उसको हम लोग मेटाफेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाफेज। और मेटाफेज में क्या होगा, एग्जैक्टली वो मतलब कि इस तरह से आ जाता है, देखो ये है मेटाफेज, बस तीन ही है, तो यहाँ पे ध्यान देना तीन ही है, तीन ही बना है, उतना ज्यादा है नहीं, ऐसे चार रहता है। ये देखो एकदम मिडिल पे आ गया, यहाँ पे इस रेस्टल रे है, स्पिंडल फाइबर बना दिया और ये मिडिल में आ गया। देखो जब ये मिडिल में आता है तो ये मेटाफेज का, मेटाफेज में बस एक ही काम होता है कि मिडिल में क्रोमोसोम आ गया और उस पे स्पिंडल फाइबर दोनों एक दूसरे से एस्ट्रल रे से कनेक्ट है, ये मिडिल फेज है। ठीक है, समझे इसको, प्रोफेज को समझे पहले, प्रोफेज में पहला क्या हुआ, क्रोमोसोम वगैरह प्रोफेज, अर्ली फेज सॉरी अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम वगैरह जो होता है कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, डीएनए वगैरह जो है इलांगेट करता है, क्रोमोसोम इलांगेट करता है और क्लियरली विजिबल हो जाता है अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम, साथ साथ में एस्ट्रल रे पोल पे चला गया। उसके बाद जब मिडिल में आते हैं तो वो एस्ट्रल रे जो होता है स्पिंडल फाइबर बनाता है, क्रोमोसोम यहाँ अरेंज दिख रहा है, डिस्क्रीट मैनर में रहता है जिसके साथ कनेक्ट होता है स्पिंडल फाइबर, हम फिगर बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होगा। फिर लेट में, लेट प्रोफेज में धीरे धीरे क्रोमोसोम एक मिडिल पोजिशन पे आना स्टार्ट होगा, और जैसे लेट फेज में धीरे धीरे आ ही रहा होता है कि वो इंटर करता है एम फेज में, हमेशा ध्यान रखना कभी भी एम फेज सॉरी कभी भी अगर पूछ दे कि लेट प्रोफेज में क्या मिडिल पे आ जाता है, नहीं, वो आना धीरे धीरे स्टार्ट, अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही एम फेज में जाता है तो एम सॉरी थोड़ा प्रोफेज हो गया, एम फेज मतलब मेटाफेज, बार बार एम फेज बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी ध्यान देना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बोलने में। तो हम प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है वो बन जाएगा, क्रोमेटीन कंडेंस हो जाएगा, डीएनए जो है वो कंडेंस बाइंडिंग करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पे क्रोमोसोम बन रहा है और एस्ट्रल रे पोल पे चला गया। उसके बाद जब मिडिल में जाते हैं तो एस्ट्रल रे स्पिंडल फाइबर के साथ क्रोमोसोम वो बना लेता है और वो डिस्क्रीट मैनर में था लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होता है वो धीरे धीरे इक्वेटर सॉरी बोल सकते हैं इक्वेटर की तरफ, मतलब वो बीच में आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे मिडिल फेज मेटाफेज में जाता है तो मेटाफेज में क्रोमोसोम इस स्टेज में या फिर इस फेज में रहता है, एक साथ चारों क्रोमोसोम, यहाँ तीन ही दिखाएं, जगह का कमी है, चार होता है, चारों जो है वो मिडिल फेज में आ गया और उसके साथ स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा मेटाफेज, मेटाफेज में बस एक ही फेज है, उसमें ना अर्ली लेट मिडिल कुछ नहीं है, अर्ली मिडिल लेट प्रोफेज में है, तो प्रोफेज में हम बताएं, मेटाफेज में बस याद रखना क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाता है, और अगर ये ऊपर जाने लगा तो ऊपर वाले पास साइड में गया तो पोल, और बीच में गया तो इक्वेटर बोला जाता है, तो इक्वेटर पे आ गया क्रोमोसोम। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब उसके बाद जब ये इक्वेटर पे आ जाता है तो वहां पे इक्वेटर पे आने के बाद ये है सेल, ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम, और ये मेटाफेज के बाद हम लोग इंटर कर गया किसमें, वो एनाफेज में। देखो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये कट जाता है, अर्ली एनाफेज में अब ये कटता कैसे है, एक सवाल है,
कि आखिर ये अलग कैसे हुआ। तो ध्यान रखना कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो एस्ट्रल रे के हेल्प से ये खींचता है, दोनों का सेंटर पॉइंट पर सेंट्रोसोम को खींचता है। जैसे ही खींचेगा पुल करेगा ये दोनों अलग हो जाएगा। और जब लेट एनाफेज की बात करते हैं तो लेट एनाफेज में पूरा पूरी ये पोल पे आ जाता है, पूरा पूरी पोल पे आ गया मतलब, और इसके बीच में डिस्टेंस हो गया स्पिंडल फाइबर के कारण, खींच के उसको पोल की तरफ लेके चला गया। ये हो गया तुम्हारा लेट एनाफेज। उसके बाद टेलोफेज में क्या होता है, तो टेलोफेज पे ध्यान देना, जैसे टेलोफेज आया जैसे पोल पे चला गया, सपोज दैट ये पोल पे चला गया, हम फिगर को चेंज नहीं करें, ये पोल पे चला गया। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे वही फरोइंग, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक होता है जो दोनों ये डिवीजन को, क्योंकि इसको सेप्टम फरोइंग बोलते हैं, ये बनना स्टार्ट होता है। अब देखो फरोइंग तो ठीक है, लेकिन उसके पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स वगैरह भी बनेगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी बनेगा। तो अर्ली टेलोफेज में बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स वहां फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके और फरोइंग बनता है, और फरोइंग बनने के बाद लेट टेलोफेज में कंप्लीट ये डिवाइड होके दोनों अलग हो जाता है। यही तुम्हारा सेल डिवीजन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो ठीक है, तो इसमें हम फिगर बना के तुम लोग को पहले देख फिगर बना देते हैं, तुम लोग उसको लिख लेना उसके बाद। और हाँ एक चीज ध्यान देना है कि जब टेलोफेज होता है, लेट टेलोफेज में, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का काम खत्म हो जाता है, तो टेलोफेज या लेट टेलोफेज में ध्यान रखना स्पिंडल फाइबर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर हुआ ना? थोड़ा सा हम प्रोफेज और मेटाफेज में थोड़ा हम ज्यादा इधर उधर बोल दिए थे, मतलब ठीक है, अब क्लियर है ना, कि फिर से हम एक बार रिपीट करते, बोलो बताओ रिपीट कर बोल करना चाहो, मतलब अगर तुम लोग को फिर से रिपीट करना तो हम कर देंगे। नहीं सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? देखो प्रो फेज का बहुत क्लियरली रखना, अर्ली मिडिल लेट, मेटा में कोई फेज नहीं है, एना में अर्ली एंड लेट है, एंड टेलो में भी अर्ली एंड लेट है, सब में कुछ ना कुछ है। मेटाफेज में मिड में आने के बाद जब अर्ली एनाफेज में जाता है तो वो खिंचाने से वो अलग हो जाएगा क्रोमोसोम, और लेट में पूरा वो पोल पे खिंचा जाएगा, फिगर बना रहे हैं। उसके बाद जैसे ही अर्ली टेलोफेज में जाता है उस फेज में फरोइंग बनना स्टार्ट, और जब लेट टेलोफेज होता है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर और वो सेप्टम बना के दोनों को अलग कर लेता है। ये हो गया न्यूक्लियर। और देखो एक और चीज बता देते हैं तुमको कि जब अर्ली टेलोफेज होता है ना उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, इतना ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगा तो फिर कैसे साइटोप्लाज्म को अलग करोगे, वो चीज वहीं पे हो जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो जाता है। ठीक है ये चीज समझ गए। ये इंटरफेज का फिगर है। सो अब जल्दी जल्दी तुम लोग, हाँ बोलो जल्दी जल्दी सर। हाँ बोलो 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 दीक्षा बोलो सर। अभी जो आप सर बताए सर उसको सर आप लिखवाएंगे नहीं सर? लिखवाएंगे, क्यों लिखवाएंगे, हम अभी फिगर बना दे रहे हैं ठीक है ना। फिगर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिगर को समझ लोगे तो काम हो जाएगा। पहले फिगर हम कंप्लीट बना देते हैं ठीक है, उसके बाद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज का धीरे धीरे हम वहां पे लिखवा देंगे एक साथ थियोरिटिकल, बट अभी फिगर से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तुरंत समझे फिगर सामने रहेगा तो फिगर हो जाएगा। थियोरेटिकल में तो जो चीज बताए वो लिखाएंगे, ऐसा नहीं लिखाएंगे, सब लिखाएंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, जो भी फिगर बनाएंगे इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, फिगर में कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा जल्दी करना स्पीड, हम तो फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। हो गया सर? हो गया ना? हाँ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट थोड़ा हाथ चलाना ठीक है।
सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम ऐसे अरेंज नहीं रहता है, हमेशा ध्यान रखना, बट हम जगह की वजह से अरेंज बना दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा जो फेज तीनों बनाए हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, देखो इसमें दिख रहा है तुमको। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम वगैरह बन गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, आई मीन मिडिल फेज में, और एस्ट्रल रे और वो पोल पे जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट प्रोफेज में पहले बताया था कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है बट अरेंज नहीं होता, ये लोग धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। एस्ट्रल रे है यहाँ पे, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम बस अटैच्ड हो जाता है एक दूसरे से क्रोमोसोम, और बीच बीच आई मीन सॉरी बीच में कहते हैं, और ये जो इक्वेटर पे जाएगा ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। इसके बाद जो फेज है वो मेटाफेज है, वो सिंगल फेज है, उसमें इक्वेटर पे क्रोमोसोम आके प्लेस्ड हो जाता है। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। स्क्रीनशॉट यस सर। हाँ सर।
एक फेज बनेगा मेटाफेज का, फिगर को जरूर प्रैक्टिस करना, फिगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुमको थ्योरी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिगर याद आते जाएगा जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है बस उसको ऐड करते जाओ, हर एक फेज का 2-3 लाइन इम्पोर्टेंट है वो चीज है इसमें। नेक्स्ट है हमारा मेटाफेज, मेटाफेज एक ही है, आ जाएगा क्रोमोसोम इन इक्विटोरियल प्लेट, और ये हो गया एस्ट्रल रे, और ये हो गया स्पिंडल फाइबर, बस यही है इसमें, मेटाफेज खत्म। हम लोग अब नेक्स्ट है अर्ली एनाफेज, सर सर क्रोमोसोम इन की बात क्या लिखे हो, क्रोमोसोम इन इक्वेटोरियल प्लेट मतलब इक्वेटर पे आ जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट लिखे हैं, बोलो। सर ये जो आप अभी डायग्राम बना रहे हैं सर, इसमें आप बोले थे ना सर ये क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता, मतलब ये मतलब अलग हो जाता है सर, वो किसकी वजह से होता है सर? स्पिंडल फाइबर की वजह से, देखो यहाँ बना दिए हैं अर्ली एनाफेज में अलग हो गया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा होल पे चला जाएगा, देखो आ गया क्रोमोसोम एट पोल, एट पोल ये स्पिंडल फाइबर,
और ये हो जाएगा एस्ट्रल रे और ये हो जाएगा हमारा लेट एनाफेज। चलो इसको नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस सर। अब हम लोग का एनाफ ये लेट फेज है, ये अर्ली है ना? नहीं, अर्ली टेलोफेज है। टेलोफेज अर्ली टेलोफेज है। हाँ सर, नहीं आ रहा आपका वीडियो। लगता है फिर फोन आ गया। नहीं, ठीक हो गया। क्यों आपका रुक गया था सर? ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा क्या? अब ठीक है सर। स्पिंडल फाइबर एपियर न्यूक्लियोलस एपियर एंड ये हो गया तुम्हारा खत्म, आई मीन फिगर खत्म हो गया। और क्या,
डायग्राम में आप लिखा है साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन, साइटोप्लाज्मिक हम लिख देते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, ये दो फॉर्म है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और एस्ट्रल रे डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब ये दोनों अब अलग होके डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। इसके बाद डिवीजन होगा, मतलब इसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई का ही फिगर है, वो हम नहीं बनाए, यही है तुम्हारा। ये कंप्लीट हो गया? यस सर। किसी को इसमें कुछ पूछना है पूछ सकते हो, आज तो इसका हम नोट्स नहीं लिखवाएंगे, नेक्स्ट क्लास अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एक पेज का अर्ली एना सब कुछ डिफाइन कर देंगे, ठीक है? कुछ पूछना किसी को? नहीं सर, समझ में आ गया। कुछ कुछ डाउट है दीक्षा? दीक्षा नो सर। देख कहाँ गए, वो गए? यस सर। डाउट नहीं ना है? नो सर। चलो नो सर, डाउट नहीं है। चलो श्रेया विवेक सब क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? यामिनी? यस सर। ठीक है, बस तुम लोग को आज बस एक काम यही करना है, एक बार फिगर को ही रिवीजन कर लेना और देखना क्या क्या हम बताए और क्या क्या तुम्हारे फिगर से तुमको रिकॉल हो रहा है। अगर उतना कर लोगे तो सेल डिवीजन का तुम्हारा 70-80% वही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और बाकी बात इसका जो थ्योरिटिकल पार्ट है वही चीज लिखवाने वाले हैं, 2-3 लाइन करके जो भी इम्पोर्टेंट है वही लिखवाएंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारा एकेडमिक काम आने वाला है एंड नेट, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? सो हम लोग नेक्स्ट क्लास अब कब मिलेंगे? वेडनेसडे को ना? यस सर। ठीक है, तो पढ़ के आना। अब नेक्स्ट जो है मियोसिस स्टार्ट करेंगे।